हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इससे पहले कि आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, उसमें हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया था। वो सभी वीडियो यदि आपने प्रॉपर देख लिया है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी तक का वीडियो आपने देख लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक का वीडियो आपने देख लिया है, तो यहाँ से फिजिक्स एक न्यू स्टार्टिंग में जाता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन। तो यहाँ से फिजिक्स में एक नई शुरुआत होती है। मैं कुछ स्टोरी आपको बताऊँगा, बहुत मज़ेदार फिजिक्स यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। और कुछ टॉपिक के बाद फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री करते हैं, तब तो फिर पूछिए मत। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। मैं सबसे पहले चैप्टर के सेंस पर ही आपसे डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना। देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि सपोज, हम एक बार रिवाइज करता हूँ उसको मैं, सपोज अपने पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देन सराउंडिंग ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज गिवन बाई ऑस्टेड। ऑस्टेड ने बताया कि सपोज हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। इस बात को लेके माइकल फैराडे ने सोचा। जब इस ऑस्टेड के कॉन्सेप्ट को माइकल फैराडे ने पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स वाइस वर्सा वर्क भी होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट वर्क भी होना चाहिए। दैट मीन्स यदि हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दें, पहले से करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो फैराडे ने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके यदि हम वहां पर कंडक्टर को एंट्री कराएं तो उसमें करंट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हर अपोजिट एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। इस बात को लेके फैराडे ने, ये एक फैक्ट स्टोरी है जो आप कभी बुक्स वगैरह में इंटरनेट में पढ़ेंगे आपको मिलेगा, उन्होंने 12 साल तक उन्होंने एक डिवाइस पर वर्क किया, 12 ईयर तक एक डिवाइस पर उन्होंने वर्क किया और देखा कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होना चाहिए। फैराडेस एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने 12 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि एक दिन फैराडे बहुत परेशान हो गए और पूरे डिवाइस को उन्होंने पटक दिया। कितना पेशेंस था आप सोच सकते हैं, 12 साल तक एक छोटे से कमरे में उन्होंने कुछ डिवाइस बना के करेंट डेवलप करने का प्रयास किया और फेलियर हो गए तो पूरे डिवाइस उन्होंने उठा के पटक दिया। तब उन्होंने क्या देखा, जैसे अपने डिवाइस उन्होंने फेंका तो उसमें वो सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर लगा के रखे थे वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन से होने लगा, दैट मीन्स करंट डेवलप हो गया। फैराडे ने सोचा कि अभी तक तो मैं सब कुछ किया था, बस मैंने इंस्ट्रूमेंट को कभी फेंका नहीं था। इस तरह से उन्होंने पूरे इंस्ट्रूमेंट को अगेन कलेक्ट किया और सोचा कि इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से थ्रो करने से क्या हुआ होगा। जब इंस्ट्रूमेंट्स इधर उधर मोशन किया तो फैराडे ने सोचा कि इंस्ट्रूमेंट में जो डिवाइस मैंने लगाया था, बेसिकली इसमें उन्होंने मैग्नेट लगाया था और कॉयल लगाया था, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इस बात को उन्होंने माइंड किया और दोबारा उसको पूरा कलेक्ट करने के बाद एक सिस्टमेटिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये सपोज ये कोई कॉयल है और इस कॉयल में उन्होंने लगा के रखा था गैल्वेनोमीटर,
और सपोज ये कोई मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस मैग्नेट को उन्होंने तेजी से कॉइल की तरफ लाया, दैट मीन्स दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे हम मैग्नेट को इसके पास में लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। और जब उन्होंने इसके अपोजिट वर्क किया, मैग्नेट को जब वो दूर लेके गए तब भी इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, लेकिन उसको अपोजिट ले जाने से करंट का डायरेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बहुत तरीके से करके देखा। नॉर्थ पोल को लाने से सपोज राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो साउथ पोल को लाया तो लेफ्ट में हुआ, तो मैग्नेट के पोल्स चेंज करके देखा। उसके बाद मैग्नेट को रेस्ट में कर रख के कॉयल को मोशन करा के देखा, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा के देखा, पावरफुल मैग्नेट ना आया, नंबर ऑफ टर्न को कॉयल के नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके देखा। इस तरह से फैराडे ने बहुत तरीके से इस एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि जैसे मैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डेवलप हो रहा है। इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर फिर कुछ रूल्स दिया जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ, और जिसमें उन्होंने दो रूल दिया। फर्स्ट इज फैराडे फर्स्ट लॉ, पहले रूल में उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप एक्चुअल में क्यों हो रहा है। जैसे हम मैग्नेट को पास लाते हैं तो मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेट को तेजी से आगे लाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है, दैट मीन्स फ्लक्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। तो फैराडे ने बोला कि जब भी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, चेंज होंगे, और इसी चेंज होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा। दैट मीन्स अब आपको मैं उसको वर्ड टू वर्ड यदि बताऊं उनके रूल को तो हम किस तरह से कहेंगे, मैं आपको इस तरह से बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ाता हूं कि चीज़ें पहले आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, फिर बाद में वो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्या इसका हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट रूल का, व्हेनेवर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएटेड बिटवीन मैग्नेट एंड अ कॉइल then number of magnetic flux will be changed which is the cause of production of the electricity or EMF. EMF means electromotive force. That means जब भी हम magnet और coil के बीच में relative velocity कराएंगे तो number of flux change होता है, और इस number of flux के change होने के कारण ही electricity develop होता है। ये Faraday ने first rule में बताया, और ये इलेक्ट्रिसिटी तभी तक डेवलप होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होते रहेगा। सपोज हमने मैग्नेट को रेस्ट कर दिया या कॉइल को रेस्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया, सेकंड रूल में उन्होंने इसके मैथमेटिकल टर्म्स को बताया कि सपोज इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है वो ई है, तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है डी फाई बाई डी टी, वेयर फाइ इज नंबर ऑफ फ्लक्स, टी इज टाइम, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द नंबर ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। द सेकेंड रूल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ, आर इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको हम एल्जेब्रिक लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, दैट मीन्स फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, दैट मीन्स चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, आर इसी को हम लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू डेल फाई बाई डेल टी, सपोज टाइम इंटरवल इज डेल टी, और इसी को हम कैलकुलस के लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व कर दें तो ई इक्वल यहाँ पर एक माइनस साइन यूज करेंगे डी फाई बाई डी टी, आगे मैं बताऊंगा आपको ये माइनस साइन क्या करता है, अपोजिशन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो क्या करता है उसको अपोज करता है। आगे नेक्स्ट लेंज ने इनके साथ में एक रूल बनाया जिसको हम फैराडे लेंज ला या ओनली लेंज ला कहते हैं, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस तरीके से ये जो फार्मूला है ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊं,
कि सपोज किसी क्वेश्चन में phi इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3, सपोज हमको कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर phi इज 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3 एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट 2 सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड तक हम दोनों के बीच में मोशन कराते हैं तो कितना EMF प्रोड्यूस होता है, सपोज इस तरह से के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये फार्मूला हमको काम आएगा, क्योंकि हमको पता है E इक्वल टू होता है d phi by dt, दैट मीन्स d by dt, आप phi का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे, 2t square plus t plus 3, दैट इक्वल आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना होगा 2t और t का हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 4t plus 1, ये 4t plus 1 आएगा। और बाद में आप t इक्वल टू 2 सेकंड वैल्यू के लिए आप पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू पुट अप करने से दैट इक्वल यहाँ 2 का वैल्यू पुट अप करूँ तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 plus 1 मतलब 9 वोल्ट, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल बताया मैं आपको, इस तरह से इसके हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला कि फाई को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने को मिलता है, क्लियर। अब नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो है इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वो बड़ा पोर्शन है लेकिन ये उसका बेसिक फंडामेंटल है, ये जब तक आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में नहीं आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं लेंज लॉ। देखिए लेंज एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब फैराडे के रूल को पढ़ा तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने का जो रीजन है जो है चेंज इन फ्लक्स, तो उन्होंने देखा कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो किस तरह से चेंज होता है, कि कब पॉजिटिव चेंज होता है कब निगेटिव चेंज होता है, और इस बेस पर उन्होंने जो रूल दिया उसको अपन बोलते हैं लेंज लॉ। तो लेंज ने क्या बताया, देखिए सपोज ये हमारे पास कोई कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है सपोज, ये साउथ पोल है। लेंज ने क्या देखा कि जब हम इस तरह से इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तेजी से कॉइल की तरफ लाते हैं तो क्या होता है, तेजी से इसको आगे लाने पर ये जो कॉइल है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। और उन्होंने देखा कि जब हम इसको दूर लेके जाते हैं, जब हम कॉइल को दूर लेके जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाता है, ये क्लॉकवाइज है, ये उन्होंने देखा। इसका मैं अलग से सेपरेट फिगर बना दूं आपको, ये यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। इस केस में हम मैग्नेट को नॉर्थ पोल को पास ले रहे हैं, इस केस में हम इसको दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज डेवलप हो गया, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से यदि हम इसको ट्रिकी याद करने के लिए यहाँ पर एक एन बना दें इस तरह से, ऐसा, क्योंकि ये डायरेक्शन है तो एन में ये डायरेक्शन शो करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर हम एस लिख देते हैं इस तरह से, ये और एस का डायरेक्शन ऐसा है। तो लेंज ने क्या बताया, यही ये मैग्नेट के चैप्टर में आपको याद होगा कि मैग्नेट के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था सोलेनाइड, तो सोलेनाइड में मैंने बताया था कि सोलेनाइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, कौन साउथ पोल की तरह, वो यहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, दैट मीन्स ये कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है, और जब हम इसको दूर लेके जाते हैं तो साउथ पोल बन जाता है। दैट मीन्स जब यहाँ नॉर्थ पोल बनता है तो ये नॉर्थ को क्या करता है, रिपल करता है, दैट मीन्स वो आने से रोकता है उसको, ये कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करके रिपल करता है, दैट मीन्स वो बोलता है कि मैग्नेट को मत आ, मेरे पास मत आ। इस केस में क्या होता है, जैसे हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो इमीडिएट इसका जो करंट है वो क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है, दैट मीन्स साउथ पोल बन जाता है, दैट मीन्स ये अट्रैक्ट करने लगता है नॉर्थ को, साउथ बन के मतलब अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर एक बहुत
क्लियर बात है कि वो आने का भी अपोस्ट करता है, वो पास आता है तो रिपल करता है, और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो उसको अटैक करता है। एक अजीब सी बात होती है कि वह क्वाइल उस मैग्नेट के पास आने का भी अपोज करता है और मैग्नेट के दूर जाने का भी अपोज करता है। क्लियर। इस तरह से लेन ने बताया कि किसी भी क्वाइल में जब मैग्नेट और क्वाइल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जैसा कि फैराडे ने बताया था, तो लेन ने बताया कि उस लूप में, उस करंट, इस सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि वह उस कास का अपोज करता है जिसके कारण खुद वो डेवलप होता है। अभी मैं आपको पॉइंट टू वर्ड बताऊंगा उसको। मैं यहाँ पर देखिए, इसी नॉर्थ पोल के आने से ये डेवलप हो रहा है, ये नहीं आता तो ये डेवलप होता क्या? नहीं होता, उसी का अपोज कर रहा है। और ये नॉर्थ पोल के जाने से ही ये क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है और उसी को जाने से रोक रहा है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लेंज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सच दैट इट अपोज द कास विच प्रोड्यूस इट। क्लियर। मतलब किसी भी करेंट लूप में, इसको लूप कहते हैं अपन, तो लूप में या किसी भी क्वाइल में करेंट डेवलप होने का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वह उस कास का रीजन करता है जिसके कारण वो खुद डेवलप होता है या प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स, एक बार मैं आपको और बताऊं, अकॉर्डिंग टू लेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन एनी क्वाइल इज सच ए वे दैट इट अपोज द कास विच प्रोड्यूस इट। क्लियर। ये कहलाता है लेंज का। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेंज ने जो रूल बताया उसको बाद में उन्होंने क्लियर किया कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब द लेंज लॉ इज ओबे आर फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट लेंज लॉ एंड एक्सप्लेन दैट इट्स फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इसके नॉर्थ पोल को लाते हैं मैग्नेट के, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, इसको रिपल करता है। तो यहाँ पर जब ये रिपल करता है तो यहाँ पर हमको मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि जब हम इसको लाएंगे, रिपल करेगा तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे। तो हम जो मैकेनिकल वर्क करते हैं इसको लाने में, वही मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन्स द लेंज लॉ इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मतलब लेंज लॉ क्या बताता है कि लेंज लॉ के रूल्स के हिसाब से हम जो मैकेनिकल वर्क करते हैं या जो मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज। इन दिस केस एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि लेंज का जो रूल है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। तो ये एक छोटा सा थ्योरी, देखिए इस चैप्टर के मैक्सिमम जो टॉपिक हैं वो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे डायनेमो पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, ये जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़ेंगे वो सबका बेस यही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट किया तो आपको इस बिगिनिंग से बता दिया कि आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। एग्जाम में आना अलग मैटर है और कॉन्सेप्ट को समझना अलग मैटर है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इंडक्शन के टाइप्स। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन। इस सभी केस में आप देख रहे हैं कि मैग्नेट और मैग्नेट की हेल्प से हम क्वाइल के साथ रिलेटिव वेलोसिटी करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन टाइप्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ इंडक्शन,
सेल्फ इंडक्शन, नाम से स्पष्ट है सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद से इंडक्शन हो जाना। यदि मैं फिजिक्स से हट के यदि हम अपने व्यवहारिक जिंदगी पर बात करें तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान महावीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्शन है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का मतलब इसके लिए उनको किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ा, उन्होंने खुद से चिंतन किया, खुद से सोचा, उनका ब्रेन डेवलप हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, खुद से यदि किसी कॉइल में बिना किसी के हेल्प के खुद से यदि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जा रहा हो तो क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन अपन देखते हैं और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंपेटिवली बताऊंगा दोनों को आपको, इधर मैं लिख देता हूँ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे अच्छा समझ में आएगा। और बहुत बार एग्जाम में डिफरेंस भी पूछता है, राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो वो आपको उसका आंसर भी लिखते बनेगा। तो सेल्फ इंडक्शन में हम एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस तरह से एक डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखते हैं, ये क्वाइल ले लिया एक और इस क्वाइल में ये एक बैटरी लगाया, बैटरी के साथ में हमने एक की लगा दिया और यहाँ पर एक कनेक्शन लिया, यहाँ से एक कनेक्शन लिया और यहाँ पर सपोज हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, ये सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कॉइल है, ये बैटरी है, की है। और इस अरेंजमेंट को आप देखिए, अब इसमें क्या किया, स्विच ऑन किया, ये हमने की को ऑन किया, स्विच ऑन किया, इसमें करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो होने से क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो होने लगा, ये बल्ब जलने लगा, बल्ब ग्लो हुआ, बल्ब ऑन हो गया। और उसके साथ ही साथ एक कॉइल है तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, क्योंकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी कॉइल में या किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसका सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डेवलप हो गए इस तरह से और ये बल्ब ग्लो हुआ। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, वैसे आप अपने कॉमन लाइफ में जानते हैं कि अभी मैं इस रूम का स्विच ऑफ करूं तो पूरा बल्ब इमीडिएट मेरा स्विच ठीक से ऊपर उठ नहीं पाएगा, पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कि मैं स्विच ऑफ करूं कुछ देर तक पूरे बल्ब जलता रहे, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है कि इमीडिएट वो बल्ब ऑफ हो जाता है। लेकिन कभी आपने वॉच किया होगा कि आपके घर में कुछ डिवाइस हैं जिसमें एलईडी बल्ब लगा है, जैसे स्टेबलाइजर है या टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप में कहीं पर भी आपने एक इंडिकेटर बल्ब देखा होगा, वो स्विच ऑफ करने के बाद इमीडिएट वो बंद नहीं होता, वो उसकी रोशनी धीरे 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 कम होती है, उसके बाद बंद होता है, ये आपने वॉच किया होगा। तो ये किस लिए होता है, आज आपको उसका रीजन ढंग से समझ में आ जाएगा कि इस तरह का इवेंट आपने क्यों देखा। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए जब यहाँ पर देखा स्विच को हमने ऑफ किया तो ये जो बल्ब है वो इमीडिएट बंद नहीं हुआ, करंट पास करना तो हमने बंद कर दिया लेकिन बल्ब तुरंत बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कुछ देर तक वो और जला। तो उसको जलने का कारण क्या है, देखिए हम जैसे स्विच ऑफ करेंगे यहाँ से करंट सप्लाई होना तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अचानक वहाँ से गायब नहीं हो सकता, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वहाँ से रिमूव होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, क्या हो जाता है, d∅/dt हो जाता है, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होता है। और अभी हमने पढ़ा है कि जैसे d∅/dt होगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, ये बताया फैराडे ने। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है उसके कारण ये बल्ब कुछ देर तक और जलता है, उसके बाद वो बंद होता है, उसके बाद बुझता है वो, क्लियर। तो ये कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कॉइल में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाना, डेवलप हो जाना, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम एक छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन निकालें तो हम जानते हैं E प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, d∅/dt, ये हमने फैराडे लॉ से पढ़ा है।
दैट इंप्लाइज, इसको आगे साल में करें तो E इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज L, और यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेंज ने बताया वह उस कारण का अपोज करता है, उस कास्ट का अपोज करता है जिसके कारण वो डेवलप होता है, तो अपोजिशन फोर्स है ये, इसलिए हमने लगाया वहाँ पर माइनस L, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और यह आएगा L d phi by dt, क्लियर। तो यहाँ पर जो L है उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, E इक्वल टू होता है माइनस L d phi by dt, और यहाँ पर L को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट। इसी तरह से देखें म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपने देखा, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल बताया, अपने बिहेवियर में डेली लाइफ में बताया कि भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, चिंतन में थे, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे जैसा कोई कॉमन मैन, कोई सामान्य आदमी किसी महापुरुष से या कलाम जी से, जैसे मैं इंड्यूस्ड हूँ कलाम जी से, तो हमने किसी महान आदमी को, किसी ग्रेट पर्सन के लाइफ स्टाइल को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके एक्टिविटीज़ को, उनका जो अचीवमेंट है उसको सुन के, पढ़ के, उनको देख के हम उनके जैसा करने लगते हैं। दैट मीन्स हम दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, दूसरे से प्रेरित होते हैं अपने लाइफ में, वो यहाँ पर फिजिक्स में म्यूचुअल इंडक्शन है। मैं आपको देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स का डेफिनेशन ही है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर इन अ नेचुरल इवेंट्स। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सब के सब फिजिक्स है। फिजिक्स जितना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जितने साइंस में यूज होते हैं, मैं समझता हूँ उसके पैरेलल हमारे रेगुलर डेली लाइफ में भी यूज होता है। मैं 11th क्लास के वीडियो में अक्सर बताया हूँ कि एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन ने बताया, हमको बताया होता है, हमारे बिहेवियर में होता है, गाली दोगे तो गाली खाने को मिलता है। तो साइंस के जितने कॉन्सेप्ट हैं बिहेवियर में भी एप्लीकेबल हैं, वो आप एक बार महसूस करिए। यहाँ पर भी वही बात है, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब किसी दूसरे के कारण किसी दूसरे में इंडक्शन हो जाना। इलेक्ट्रिसिटी में कैसा होता है, यहाँ पर देखिए, सपोज हमने ये एक कॉइल लिया और इसके बहुत ही पास में ये दूसरा कॉइल लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए हमने इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट लगाया क्यों, वेरिएबल करंट देने के लिए, क्योंकि करंट चेंज करना जरूरी है। यह रियोस्टेट क्या होता है, ये करंट को चेंज करता है, वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिया इस तरह से, जैसे ही हम यहाँ से करंट सप्लाई करते हैं और रियोस्टेट के हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो ये वाला कॉइल भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्रोच में आ जाता है। तो रियोस्टेट को अप एंड डाउन करने से यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज होते हैं। यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये फ्लक्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज होते हैं। और जब भी नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस कॉइल में खुद से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया सिंगल कॉइल में। यहाँ पर आपने देखा कि पास के कॉइल में, ये कॉइल सेकंड कॉइल है, फर्स्ट नंबर का कॉइल है, तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से, उसके अप्रोच में होने के कारण इस कॉइल में भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको आगे हम सॉल्व कर दें तो E इक्वल टू माइनस एम डी फाइव। यहाँ जो हम कॉन्स्टेंट लेते हैं एम, वो M को बोला जाता है, M फॉर म्यूचुअल कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, क्लियर। यहां पर ये जो मैं मैथमेटिकल रिलेशन निकाला उसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसा क्यों होता है, फाई क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स है, आई क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है जो हम यहाँ पर फ्लो करा रहे हैं। तो हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, नंबर ऑफ फ्लक्स उतना ज़्यादा चेंज होगा। दैट मीन्स करंट का फ्लक्स के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, नंबर ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें, नाउ डिफ्रेंशिएट डी फाई बाई डी टी, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी आई
बाई डी टी, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम इसको डी फाइव बाई डी टू को अगेन क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, क्यों इस रूल से डी फाइव बाई डी टी को, तो डी फाइव बाई डी टी ई होता है, तो ई इक्वल टू माइनस एल, यहाँ पर एल सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे, या यहीं से देखिए ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई माइनस एल, और डी फाइव बाई डी को हम डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखिए। तो E इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी सिंस फाई प्रोपोर्शनल टू आई। इस केस में भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई यहाँ भी प्रोपोर्शनल है आई के, देयरफॉर ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दैट इम्प्लाइज डी फाई बाई डी इज डी टी इज ई अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, एंड प्रोपोर्शनल को हम चेंज कर दिए इक्वल, तो माइनस एम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। ये दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ई इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पर ई इक्वल टू होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे। तो ये हुआ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये ट्रांसफार्मर बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफार्मर इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। यदि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ना हो तो हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो उसकी जान है। यदि इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसफार्मर को हटा दो तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं बचेगा। आगे मैं ट्रांसफार्मर के चैप्टर में उसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ईडी करेंट। ईडी करेंट, ईडी मतलब क्या होता है, एडी, देखिए साइक्लोन तो आपने सुना होगा, और उसी तरह से एडी, साइक्लोन मतलब क्या होता है, जब एयर सर्कुलर मोशन करने लगता है, राउंड राउंड घूमने लगता है, हम उसको साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात हिंदी में चक्रवात कहते हैं। और एडी मतलब होता है किसी लिक्विड का, वाटर का राउंड राउंड घूमना, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अपन हिंदी में कहते हैं उसको भंवर। भंवर आप नाम सुने हो, भंवर पानी में भंवर गोल गोल घूमता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये आपने देखा होगा, या सपोज एक कंटेनर में आप वाटर कलेक्ट कर लीजिए किसी बड़े कंटेनर में, और हाथ से गोल 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 पानी को घुमाइए, तो आप क्या देखेंगे कि वाटर इस तरह से ऊपर उठा रहता है, सेंटर में कैविटी बन जाता है और गोल 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 घूमता है। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को उसमें डाल दें तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। या रिवर में, केनाल में जब वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो होता है तो ईडी बनता है। अच्छे अच्छे स्विमर भी जब ईडी के अप्रोच में आते हैं तो तैर नहीं पाते, सेंटर में जाके घुस जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं उनके, तो आपको पता है। उसी तरह का ईडी, वही ईडी है ये, लेकिन किसका ईडी है, करेंट का ईडी है। करेंट का ईडी किस तरह से, अब यहाँ पर एक सोचने की बात है कि भाई करेंट को तो किसी ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं, करेंट को फ्लो होते हुए किसी ने देखा नहीं, ठीक है। वाटर को तो हमने राउंड 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 गोल होते हुए देखा है, क्योंकि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है वो, तो करेंट को गोल गोल घूमना हम कैसे देख पाए होंगे। इसको हम एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन से समझते हैं कि किस तरह से उसको इमेजिन किया गया कि करेंट राउंड राउंड वो मोशन कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये सपोज एक हार्स शू मैग्नेट के सेप पर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जैसे सोलेनाइड। ये हमने इसमें क्वाइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये यहाँ पर सपोज हमने ये एक बैटरी लगाया है करंट पास कराने के लिए, और इसमें एक की लगा दी है, ये एक अरेंजमेंट है। और इसके सेंटर में एक कापर की लीफ पत्ती, एक ब्लेड जैसा बहुत थिन ब्लेड कापर का हमने सेंटर में इसको हैंगिंग कर दिया, इस तरह से बीच में रख दिया। मैं आपको कुछ बता दूं डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से समझ लीजिए
कि सपोज ये जो मैं पेपर रखा हूँ, ये पेपर को आप कापर लीफ समझ लीजिए, ये कापर का लीफ है, कापर इस तरह से कापर का प्लेट है, और ये उंगली को मैं बना रहा हूँ ये हार्सो मैग्नेट की तरह, ये उंगली का आप वाच करिए, ये पेपर यहाँ पर है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन फिगर है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह होता क्या है कि टीचर बताना कुछ और चाहते रहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, और बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। मैं खुश होता रहूँगा ये समझ के कि जैसा मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ आप वैसा ही इमेजिन कर रहे हैं, आप मैं खुश होता रहूँगा, आप बहुत अच्छे से गलत तरीके से इमेजिन करके खुश होते रहेंगे कि मैं वही सोच रहा हूँ जो सर बता रहे हैं। बाद में जब क्लियर होगा तो पता चलेगा कि मैं तो ऐसा बोला ही नहीं था जैसा आपने सोच लिया। फिजिक्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो एक फिजिक्स का टीचर हमेशा कोशिश करता है कि इमेजिनेशन जो है वो प्रॉपर रेजोनेंस हो हमारे साथ, स्टूडेंट के साथ में, कि जो मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो तो बेस्ट कंडीशन है, अदरवाइज बहुत दिक्कत वाली बात है। कई बार क्लास में ऐसा होता है कि हम बताएं कुछ और रहते हैं, स्टूडेंट दूसरा इमेजिन कर लेता है, बाद में बोलता है सर हम तो ऐसा समझे थे, हम साग हो जाते हैं, ऐसा तो हम बोले ही नहीं थे। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये मेरी उंगली, ये हार्सो मैग्नेट है, और ये एक प्लेट है, ये ऐसा सेंटर में है, और ये ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा बोर्ड के वर्टिकली बाहर, ये ऐसा प्लेट नहीं ऐसा रखा हुआ है, और ये ऐसा मोशन करेगा। इस तरह से क्या किया गया, उसको मोशन कराया गया, और इसके मोशन करने के बाद जब ये फ्री मोशन कर रहा है, इस तरह से ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो उसी समय फिर क्या किया, उसमें अचानक इलेक्ट्रिसिटी पास किए। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या देखा गया कि ये ऑक्सीलेशन बंद कर दिया और वो सेंटर में रुक गया। इस तरह से ये ऑक्सीलेशन कर रहा था, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया ये सेंटर में रुक गया। तो इस इवेंट को बार बार रिपीट करके ये इसमें कंक्लूजन ये निकाला गया कि जिस तरह से कोई भी ईडी किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में रोकता है, उसी तरह से यहाँ भी सेंटर में कोई करंट डेवलप हो रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में रोक रहा है। क्लियर? तो इसको बोला गया ईडी करंट। देखो ये मैग्नेटिक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो मैग्नेट है तो मैग्नेट भी तो उसको रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कॉपर का प्लेट है, कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो भी रहा होगा तो कॉपर तो उसके कारण रुकेगा नहीं, कॉपर गुड कंडक्टर है, उसकी किसके कारण रुकेगा, करंट के कारण। तो ये हम एडी करंट बोलते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडी करंट से लॉस भी है और हमको प्रॉफिट भी है। तो सबसे पहले अपन कुछ लॉसेस पर डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ओनली वन लॉस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, इससे किस तरह से होता है, ट्रांसफार्मर को आपने देखा होगा इस तरह से कि उसमें बहुत से आयरन के प्लेट इस तरह से लेमिनेटेड कोर, और इसमें कॉपर के वायर को हम इस तरह से बाइंडिंग करके बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के चैप्टर में और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, यहाँ तो मैं सिर्फ उसका लॉस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में सिचुएशन इस तरह का बन जाता है, और वहाँ पर करंट पास करने से ईडी करंट डेवलप हो जाता है, और आपको मालूम है कि यदि वाटर राउंड 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 उसको हम बहुत घंटे तक घुमाते रहें तो वाटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्रिक्शन करेंगे कंटेनर के साथ आपस में, और फ्रिक्शन से एनर्जी डेवलप होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी करंट के राउंड 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 घूमने के कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे आपने अपने घर में स्टेबलाइजर देखा होगा, या टीवी कंप्यूटर लेफ्ट साइड के बैक साइड को आपने देखा होगा, तो उसके बैक साइड में एयर वेंटिलेशन के लिए इस तरह से गैप बना रहता है, ऐसा आपने देखा होगा, जाली जैसा, ये आपने कॉमन वॉच किया होगा, उसमें एयर फ्लो होने के लिए डिवाइस के बाहर का या लैपटॉप में कंप्यूटर में क्या फैन लगा होता है, वो फैन क्या करता है, एग्जास्ट फैन लगा होता है, वो अंदर के हवा को क्या करता है, बाहर करता है। क्यों? क्योंकि अंदर हीट डेवलप हो जाता है। हीट कौन डेवलप करता है? हीट या ट्रांसफार्मर डेवलप करता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या है, ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर में एडी करेंट प्रोड्यूस होने के कारण वो हीट डेवलप कर लेता है, और उस सिस्टम के कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर को जहाँ पर लगाया जाता है इस तरह से उसमें नेटिंग की जाती है, नेट जैसे बनाया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। टीवी के पीछे आप देखिए तो एक पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पर आपको हॉलो पोर्शन मतलब छेद होगा, जाली जैसा बना होगा, बाकी पैक होगा, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कूलिंग के लिए। तो ये एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, और इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, मिनिमाइजेशन
इसके मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, क्रोड मतलब जिस पर उसकी बाइंडिंग की जाती है, उसको लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटर मतलब एक लेयर बनाएंगे, फिर इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, इंसुलेटर मटेरियल की पॉलिश, फिर दूसरा लेयर लगाएंगे, फिर तीसरा। कभी आपने छोटा मोटा ट्रांसफार्मर तोड़ के देखा होगा तो आपको ई शेप के ऐसे ब्लेड मिलते हैं, एक फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा एक के ऊपर एक लगा रहता है और फिर बीच में उसकी बाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है, इसको आगे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस वाले चैप्टर में और इसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके यूजेस, ऐसा नहीं है कि ईडी करंट से केवल लॉस होता है, ईडी करंट का कुछ एप्लीकेशन यूज भी है कि हम उसको अपने लाइफ में यूज करते हैं। कुछ कॉमन डिस्कशन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले डीड बिट गैल्वेनोमीटर। ये डीड बिट गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जैसे हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बीच में क्या होता है, कॉयल होता है और ये हैंगिंग होता है, एक सस्पेंडेड कॉयल, प्योटेड कॉयल, गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉयल बीच में लटकते रहता है। अब ये एक तार से लटका हुआ है तो थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा तो वो जो यहाँ पर लटका हुआ फ्रेम है वो इस तरह से इधर उधर डिस्प्लेस हो सकता है। तो उसको डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए यहाँ पर हम एक ईडी करंट डेवलप कर देते हैं। तो ईडी करंट क्या करता है, उसको हमेशा अपने सेंटर में बना कर रखता है, क्योंकि ईडी करंट का खासियत है कि हर चीज़ को कहाँ रखेगा, अपने सेंटर में रखेगा। तो डीड बिट गैल्वेनोमीटर बनाने में यूज होता है। सेकंड, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन हीटर भी कह सकते हैं या इंडक्शन मोटर भी, दोनों है। अभी आपको पता है कि हर घर में इंडक्शन कॉयल अपन यूज करते हैं, इंडक्शन हीटर यूज करते हैं, इंडक्शन हीटर से हम खाना बनाते हैं। आपको पता है कि इंडक्शन हीटर में इस तरह से हम किसी कंटेनर में दूध गर्म करना है, चाय बनाना है, तो उसके ऊपर रख के अपन गैस स्विच ऑन करते हैं, वहाँ पर कोई हीट प्रोड्यूस होते हुए हमको दिखता नहीं, लेकिन वो गर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में जब लोग आया तो लोग बहुत आश्चर्य हो जाते थे कि भैया तो गर्म हो ही नहीं रहा है और कैसे है खाना बन गया। तो वहाँ पर क्या होता है, ईडी करंट डेवलप होता है। ईडी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहाँ पर क्या होता है, इसलिए उसमें इंडक्शन हीटर बोला जाता है। तो वहाँ पर करंट के थ्रू, ईडी करंट के थ्रू हीट डेवलप करते हैं और उस हीट से क्या करते हैं, अपन कुकिंग करते हैं, क्लियर। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर में हम इंडक्शन के थ्रू किसी मोटर को घुमाते हैं, मोटर को रोटेट करते हैं। ये सब डिवाइस हैं, पूरा मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, बस मैं उसका लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ यूज़ होता है। और फोर्थ नंबर का इसका एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोमेटिक ब्रेक, ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है। देखिए हम लोग इधर जितना ट्रेन अपन देखते हैं हमारे इंडिया में जो देखते हैं, अभी हम लोग बुलेट ट्रेन तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं, है ना, प्लानिंग है हमारी। तो इंडक्शन के थ्रू जो बुलेट ट्रेन होता है या इंडक्शन के थ्रू चलने वाले, जापान वगैरह में कम्प्लीटली ये वर्किंग में है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पर मैं फिगर बता रहा हूँ, ये सपोज ये व्हील है, ट्रेन का व्हील है ये इस तरह से। अब हमारे इधर क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेक होता है, ये मैकेनिकल ब्रेक है। जैसे क्या होता है, ड्राइवर को ब्रेक ट्रेन रोकना होता है तो मैकेनिकल ब्रेक में क्या होता है, वो अप्लाई करता है फोर्स वहाँ से, तो ब्रेक आके इसको फ्रिक्शन करता है और इस व्हील को फ्रिक्शन करने के बाद, इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेन जब स्टेशन में रुकती है तो बहुत तेज साउंड अपने को सुनाई देता है, क्योंकि वो जाके उसको फ्रिक्शन करके रोकता है। लेकिन इंडक्शन ब्रेक कैसा होता है, देखिए ये एक व्हील है और इस व्हील के चारों तरफ हम ये ईडी करंट डेवलप करने का फैसिलिटी डेवलप कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम करंट सप्लाई करेंगे, तो करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ईडी करंट डेवलप हो जाएगा। ईडी करंट डेवलप होगा तो क्या करेगा, ईडी क्या करता है, किसी भी चीज़ को रोकता है, कहाँ, जैसे आप देखते हैं सेंटर में रोकता है, तो ये व्हील को क्या करेगा, रोकेगा, और वो बहुत साइलेंट ब्रेक अप्लाई करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और व्हील के मोशन को वो डिक्रीज करके ब्रेक अप्लाई कर देगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन ब्रेक, जो कि बुलेट ट्रेन में या इंडक्शन से चलने वाले जो ट्रेन होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देखिए इस चैप्टर में आपने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडक्शन कॉयल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की तरह पढ़ सकते हैं, सिमिलर टॉपिक है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने आपको बताया
कि फैराडे ने किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया। आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पावर प्लांट लग रहे हैं, आज भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का प्रोसेस वही है। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में जब डायनेमो पढ़ा होगा या सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी विंड से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं या थर्मल एनर्जी डेवलप करते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं उसमें टर्बाइन क्या करता है, वो टर्बाइन आर्मेचर को घुमाता है। वो यही चीज़ है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये फंडामेंटल है, और इसके जस्ट बाद वाला हमारा जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट, जो कम्प्लीटली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करिए, इसको रिवाइज करिए और आगे के चैप्टर के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, थैंक यू।